की जा रही परियोजनाओं की समीक्षा आज की गई है और उसी क्रम में भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में भी स्थल निरीक्षण किया गया है और कुछ और भी योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में जो भी योजनाओं के क्रियान्वयन क्रम में जहाँ जहाँ विलंब की शिकायत प्राप्त हो रही थी या कठिनाई की सूचना प्राप्त हो रही थी उसके संबंध में समीक्षा की गई और जो जो कॉम्पोनेंट्स इसमें बनाए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सभी पदाधिकारियों के साथ में उस पर परिचर्चा की। संबंधित एजेंसी और पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी कार्य पूर्व से स्वीकृत किए गए हैं उन सबों को इस आगामी मानसून शुरू होने के पूर्व हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कई सारे कॉम्पोनेंट्स उसमें अभी भी बचे हुए हैं जिसमें कार्य की प्रगति अभी की जानी है, उन सभी कॉम्पोनेंट्स को आगामी 2 से 3 माह के अंदर चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है ताकि इस बरसात के पूर्व इस सैंडिस कंपाउंड जैसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जिसका कि काफ़ी लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है और आने वाले समय में मिलेगा उसको पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है और जो भी चीज़ें जो उसके अलावा स्वीकृत की गई हैं उसकी अलग से समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया जाएगा कि उसके संबंध में क्या कार्रवाई की जानी है। क्या कुछ पाए सर से या फिर अनियमितता कुछ दिखा? अभी तो विलंब की कुछ चीज़ों में जो परियोजना जो चल रही है उसमें थोड़ा टाइम एक्सटेंशन की बात आई है कि ये परियोजना लगभग 1.5 साल में पूर्ण होनी थी, उसका कई कारणों से उसमें थोड़ा समय अधिक लग रहा है लेकिन हर हाल में इसको इस आगामी मानसून के पूर्व किया जाना है। इसके अलावा जो अन्य भागलपुर में जलापूर्ति योजना भी संचालित की जा रही है उसके संबंध में भी समीक्षा की गई है और उसको भी जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है संबंधित अधिकारियों को ताकि भागलपुर में जो महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना ADB के सहयोग से संचालित की जा रही है उस योजना को भी जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके और उसका भी लाभ लोगों को मिले। उसी क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि कुछ हाउस कनेक्शंस भी उसमें बढ़ाने होंगे, जो पूर्व से योजना स्वीकृत थी उसमें कुछ नए घर जो शहरी क्षेत्र में जुड़े हैं उनको भी उसमें ऐड किया जाना संभावित होगा। ऐसे परिस्थिति में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उसके लिए एक्स्ट्रा अतिरिक्त राशि का प्राकलन तैयार करके विभाग में समर्पित करेंगे और उसकी जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाएगी ताकि उसका पूरा लाभ भागलपुर शहर के लोगों को प्राप्त हो सकेगा। सर, स्मार्ट सिटी कार्य के दौरान 100 से अधिक पेड़ों को विस्थापित किया गया था, एक भी पेड़ विस्थापित जीवित नहीं है। 82 पेड़ थे उस समय, उसके बाद जो आज वो पेड़ जो है उस जगह पर नहीं। उसके संबंध में भी आज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। दो तरह की चीज़ें इसमें समीक्षा में सामने आई है, एक तो यह कि जो भी पेड़ों का ट्रांसलोकेशन या जो नए पेड़ लगाए जाने थे उसके बारे में यदि कुछ पेड़ आज की स्थिति में जीवित नहीं है तो उसके संबंध में वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करके उनसे डिटेल सहयोग प्राप्त करके और उसको सही तरीके से रखरखाव करके उसको प्लांटेशन करते हुए इस प्रकार से किया जाएगा कि वो पेड़ पुनः जीवित रहें और अच्छे रूप से इस सैंडिस कंपाउंड में दिखे लोगों को, क्योंकि हरा भरा होना ही यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। यह शहर का एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन सेंटर है, हार्ट ऑफ द भागलपुर हम लोग कह सकते हैं इसको, लंग ऑफ भागलपुर कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हरियाली को बढ़ाने पर निर्देश दिया गया है, हम लोगों ने कहा है कि लगभग 10,000 पेड़ यहाँ लगाए जाएं ताकि इसकी हरियाली और अधिक बढ़े। और इसके साथ साथ आज स्थल भ्रमण में हमने यह भी देखा कि कई सारे जो बहुत पुराने पेड़ जो सैकड़ों साल से यहाँ लगे हुए हैं उसमें दीमक जो लग गए हैं, इसके लिए हम लोगों ने यह निर्देश दिया है कि इसके एक्सपर्ट जो होते हैं फॉरेस्ट और ट्री कंजर्वेशन के वैसे पदाधिकारियों से अलग से एस्टिमेट प्राप्त करें, उनसे कार्ययोजना प्राप्त करें और ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंतर्गत उसकी अतिरिक्त उस कॉस्ट की स्वीकृति स्मार्ट सिटी से की जाएगी ताकि जितने भी ऐसे बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद हैं जो कि पुराने होने के चलते धीरे धीरे या तो दीमक के कारण या अन्य कारणों से जो सूख रहे हैं या खराब हो रहे हैं उनको भी पुनर्जीवित किया जाएगा और उसको भी परियोजना के नए कंपोनेंट के रूप में उसको शामिल किया जाएगा। विशेष क्या टास्क दिया गया है? बाकी परियोजना के सभी अन्य कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी भी समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं। कब खुलेगा जनता के लिए जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं?